हेलो, आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग जूम पे क्लास कैसे कैसे ले सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस मेरे लिए आसानी से उपलब्ध हैं जूम पे, और जूम पे ही क्लास क्यों लेने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, इसका भी छोटा सा कारण आज पता चलेगा। तो हम लोग अपने एप्लीकेशंस में जाके जूम को ढूंढ लेंगे। हम लोग ये जो आज बात कर रहे हैं कि इसको अगर मोबाइल से पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे, सिस्टम पे पढ़ाना है, लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे, उसका एक अलग से वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। तो देखिए, ये आप एक बार अगर लॉगिन कर चुके हैं, आप एक बार यूआरएल बना चुके हैं, तो आप जब जूम खोलेंगे तो आपको इस तरीके का स्क्रीन दिखाई देगा। अगर मान लीजिए आप ने लॉग आउट कर दिया था, आपने साइन आउट कर दिया था, तो जब आप जूम खोलने जाएंगे तो आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाई देगी, है ना। तो आप फिर से यहाँ से साइन इन कर लीजिएगा गूगल से जाके, और जिस गूगल आईडी से आपने अपना यूआरएल बनाया हुआ था लास्ट वीडियो में जैसा हम लोगों ने देखा था, आप काइंडली उसी से लॉग इन कर लीजिएगा। एक बार यहाँ से साइन इन कर लीजिएगा। एक बार आप कर चुके हैं तो दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पासवर्ड आपको। यहाँ से आप जूम को लॉन्च कर लीजिएगा। यहाँ से लॉन्च करने के बाद आप इस स्क्रीन पर आ जाएंगे। अब इस स्क्रीन पर देखने जाएंगे तो अगर कोई मीटिंग आने वाली है तो वो स्टार्ट करने के लिए बोलेगा, और अगर नहीं आने वाली है तो आप यहाँ मीटिंग्स में चले जाइएगा। मीटिंग में जाएंगे तो आपने जो भी सब्जेक्ट आपने शेड्यूल्ड हैं वो आपको ऐसे दिखाते रहेगा। तो मान लीजिए आपको मटेरियल साइंस की क्लास शुरू करनी है, या तो टाइम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो आपके टाइम टेबल के आधार पे अगर आपको लगता है कि अभी मटेरियल साइंस की क्लास चलनी चाहिए तो आप मटेरियल साइंस पर जाके आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो 10-10 से क्लास शुरू होनी है, तो 10-10 पर बच्चा भी आपके अकाउंट को